हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक और नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो मैंने सिंपल सी रेसिपी बनाई है जो है ठीक हुआ। तो बिहार की फेमस डिश है, छठ पूजा में प्रसाद बनाया जाता है, उसमें बनती है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, मैं पहली बार ही बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। जैसे भी बनाइए, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। इधर मैंने 2 कप आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है, आप मैदा भी ले सकते हैं, ठीक है। इधर नारियल का बुरादा, जो नारियल मैंने होता ना साबित गोला, वो मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर दिया था। इधर 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है देसी। आप आधा मैदा आधा आटे से भी बना सकते हैं, या पूरे मैदे आटे से भी बना सकते हैं। मैंने 2 कप आटा लिया था गेहूं का, इसमें 1/4 कप मैंने डाला है नारियल ग्रेट करके, ठीक है। और 3 चम्मच डाला है मैंने देसी घी। बस इसको क्या करेंगे, हम तीनों चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिला लेंगे, क्योंकि हमारे आटे में जितना मोवन होगा उतना ही ठेकू हमारे क्रिस्पी और यमी बनेंगे। तो आपको अगर ठेकू में क्रिस्पीपन चाहिए, कुरकुरे होने चाहिए, जिस तरह से ठेकू है, अभी देखिएगा कितना अच्छा कलर भी आएगा इनका दोस्तों। तो उस हिसाब से आप थोड़ा घी डालिएगा और डाल के देखिएगा लड्डू बनते रहें, तब जाके इसको छोड़िएगा। नहीं तो घी कम पड़ेगा तो मोयन जैसे आटे में हमारे नहीं पड़ेगा, तो ठेकू हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इधर हमने इलायची डाल दी है, और थोड़ा डाल दिया था मैंने 1/4 कप डाला था मैंने शुगर पाउडर। इधर तिल भी डाल दिए थोड़े से थे, सो आप देख सकते हैं तिल डाल दीजिएगा, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, सौंफ भी डालते हैं। तो सौंफ मैंने नहीं डाली थी दोस्तों, क्योंकि बच्चे मना कर रहे थे कि मम्मी नहीं खाना, उसमें पसंद नहीं है उनको। तो आप देख लीजिएगा, सौंफ बहुत ज़रूरी होती है, उसका टेक्सचर टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ठेकू का स्वाद भी बढ़ जाता है। मैंने तिल डाला था, नारियल और इलायची डाली थी। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। 2 कप आटे में 1.5 कप पानी पड़ जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आप पानी उतना ही डालिएगा, ज़्यादा पानी डालने से ना और हमारे ठेकुए सॉफ्ट मतलब कुरकुरे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और डो बहुत टाइट लगाना है दोस्तों, डो बहुत अच्छे से मल मल के, पानी जितना ज़रूरत है उतना लें, नहीं है तो है ना कम पानी का यूज़ करें, कम से कम पानी का यूज़ करें। घी देखिए मैंने 1 चम्मच और डाला है, 3 से 4 चम्मच पड़ गया था, 1 कप में 2 चम्मच घी पड़ेगा आराम से, ठीक है। 2 टीस्पून मैंने 1 कप में डाला समझ लीजिए, और 2 कप मैंने आटा लिया था उसमें 4 चम्मच पड़ा है, तो 4 चम्मच हमारे 2 कप आटे में घी पड़ा है। आप देख लीजिएगा मोयन, आटा भी कम ज़्यादा हो सकता है, इन भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं करिएगा, मतलब आटे के हिसाब से अपना अपना जितनी क्वांटिटी आप लेंगे उस हिसाब से दें। ये देखिए मैंने कस कस के मल मल के आटा इस तरह से लगाना है दोनों हाथों से, मसल मसल के, ठीक है। पानी कम से कम लगाना है, दो कप आटे में 1.5 कप या कहिए तो 1/4 कप, 1 कप और 1/4 कप, तो 1/4 जो है पानी पड़ सकता है, और ज़्यादा भी पड़ सकता है कम भी पड़ सकता है, आटे के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। चीनी भी पानी मॉइस्चर छोड़ती है ना, जो मैंने पिसी हुई शुगर डाली है उसकी आप चाशनी भी बना के डाल सकते हैं इसमें, हल्का सा मतलब गर्म करके पानी में चीनी को मेल्ट करके आप इसमें मिला सकते हैं आटे में, लेकिन मैंने चीनी डाली थी, हल्का सा पानी डाला था, ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करना है इसको, टाइट डो लगाना है। देखिए कितना टाइट है, आप देख सकते हैं, मैंने रेस्ट करने रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, और थोड़े ठेकुए बना भी लिए थे, अभी आपको दिखाऊंगी, या आपको एक बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से बनाइएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है, इजी इजी वे में बन जाता है। आप लोग
बस पहली बार बना रही हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ। मैंने भी कहीं देखा है तो देख के ही मैं भी सीखी हूँ। तो मैं तो प्लीज़ आप भी इंजॉय कीजिए, बनाइए और बच्चों को खिलाइए। ये ठीक हुएगा, टेस्ट इतना अच्छा आता है। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी बहुत टेस्टी बनाए हैं, एंड बिस्किट से अच्छे हैं, आप कभी भी ये बना के रख सकते हैं। अभी तो खैर छठ पूजा चल रही, तो उसमें प्रसाद में रखे जाते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, दोस्तों आप लोगों को पता है तो बताइएगा मुझे इसके बारे में। और ये देखिए, मैंने ये जो पत्ती की शेप होती है ना, उसकी शेप दी है। इस तरह से कट कर लेंगे, कोई भी कटोरी या आपके पास कटर रखा हो तो उससे कट कर सकते हैं आप, कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ठेकियों की शेप यही होती है दोस्तों। ये देखिए, टूथपिक से हम ऐसे लाइंस बना लेंगे इसमें अच्छे से। ये देखिए, दबा दबा के, ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसमें। देखिए मैंने बना के रख लिए थे, आप लोगों को एक बना के दिखाया शेप। और इसी तरह से सारे बनाने हैं दोस्तों। इसको मतलब जितना रेस्ट में रख देंगे ना अच्छे से, जैसे 15 से 20 मिनट के उसमें रेस्ट पे आप रखेंगे, तो इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब मॉइश्ट हो जाती है, चीनी पड़ी है ना इसमें पिसी हुई, तो इससे क्या है, रेस्ट करने से आटा भी हमारा सॉफ्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाता है, मतलब ठीक है, आटा मलते रहो और रेस्ट पे रख दो तो इसका अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे हमारे बन रहे हैं, ऐसे सारे बना लेंगे हम। आप रिफाइंड में या देसी घी में जो आप यूज़ करते हैं उसमें सेक सकते हैं इनको, फ्राई कर सकते हैं। और लो फ्लेम में फ्राई करने हैं दोस्तों, फ्लेम इसकी हाई मत करिएगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करनी है, लो टू मीडियम रखनी है फ्लेम। तो ज़्यादा लो करने से ना ये तेल जो है सारे ठेकुए हमारे पी जाएंगे, और कढ़ाई में तेल कम होगा, ठेकुए में तेल ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए लो से मीडियम फ्लेम रखिएगा, ठीक है। ये देखिए फ्राई करने में पता चल रहा है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है, अंदर से कच्चे रह जाएंगे ठेकुए हमारे, तो ठीक हुआ अगर पक क्रिस्प चाहिए और अंदर से मॉइस्ट भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं खाने में। अभी तो गर्म होंगे, तो जब ठंडे हो जाते हैं तो ये बहुत कुरकुरे क्रिस्पी हो जाते हैं, एकदम करारे हो जाते हैं, और जब इनको खाएं चाय के साथ, तो नाश्ते में कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ज़रूरी है नहीं है कि ये ये तो पूजा में बनते हैं खैर, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो ये ऐसी स्वीट डिश है, आप कभी भी बना सकते हैं, ठीक है, उनको कभी भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है इनको धीमी धीमी आंच पे, पलट पलट के, ठीक है। अभी मैंने एक बैच तैयार किया है, एक बैच और तैयार करेंगे, ऐसे ही धीरे से सीख लेंगे इसको। कितना अच्छा कलर आया है हमारे ठेकुए का। गुड़ के भी बनते हैं दोस्तों, तो गुड़ के भी मैंने बनाए हैं, बीच में एक बार बनाए थे, लेकिन बच्चों को चीनी के पसंद आते हैं, तो मैंने ये चीनी के बनाए हैं। आप लोगों को अगर पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एंड आप लोग कमेंट नहीं करके बताते हैं, एंड लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। देखिए ठेकुए बन के तैयार हैं, क्रिस्प क्रिस्प, अभी तो गर्म है तो थोड़े से सॉफ्ट है, लेकिन इससे ठंडे होते हैं ना बहुत अच्छी, मतलब इनका टेक्सचर हो जाता है, खाने में बहुत यम्मी है, और बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। तो प्लीज़ बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, परिवार में सबको खिलाइए, इंजॉय कीजिए। और चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, तो इंजॉय कीजिए। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।